हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप प्रूफ देख सकते हैं। देखो मुझे 12,500 रुपए का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रहे कांग्रेचुलेशन, और मुझे यहाँ 12,500 रुपए का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और इस लोन को लेने के लिए सिर्फ मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिया। ये लोन मुझे आधार कार्ड के बेसिस पर दिया जा रहा है। और देखो अगर आप इसकी बात करें, जैसे अगर मैं 12,500 का लोन लेता हूँ, उसको मैं बैंक में ट्रांसफर करूंगा, तो मेरे जो बैंक में पैसा आएगा वो मेरे यहाँ पे दिखाया गया है। देखो 11,615 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटल अमाउंट मेरे 11,615 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। कुछ पैसे यहाँ पे GST चार्जेस वगैरह कट जाएंगे। और अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो साफ साफ मेंशन किया गया इतने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। और अगर आप रीपेमेंट डिटेल्स की बात करें तो देखो टोटल में इसकी मैं 3 EMI बना सकता हूँ। 12,500 रुपए का लोन मुझे 3 महीने के लिए दिया जा रहा है। और इसकी जो मेरी मंथली EMI बनने वाली है, वो मंथली EMI 4,483 रुपए की मेरी मंथली EMI बनने वाली है। और मेरी फर्स्ट EMI कब पे होगी, यहाँ पे भी ये दिखा रहा है। फर्स्ट EMI मुझे पे करनी है अक्टूबर में, 3 अक्टूबर को मुझे फर्स्ट EMI पे करनी है। और देख सकते टोटल मुझे पेमेंट करना है 13,446 रुपए। अगर मैं 12,500 का लोन लेता हूँ तो टोटल मुझे 13,446 रुपए पे करनी है। और दोस्तों इस लोन को लेने के लिए ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड बैंक, मुझे इस ऑप्शन में क्लिक करके मैं बैंक अकाउंट को ऐड करना है। उसके 10 मिनट बाद ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो ये मैंने सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा दिया, ताकि आपको यकीन हो जाए कि इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी से आपको भी लोन मिल जाए। अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है और आप लोन लेना चाहते हो 10,000 का, 15,000 का, मैक्सिमम 20,000 का, तो इस वीडियो को पूरा देखो। इसमें आपको मैं गारंटी से लोन दिलवा दूंगा, बस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन दिखाने वाला हूं, जिससे अगर आप आधार कार्ड के बेसिस पर अप्लाई करोगे तो आपको कम से कम 20,000 रुपए आसानी से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हो कौन सा एप्लीकेशन है, आपको कैसे लोन अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव इसी वीडियो में दिखा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए चल पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, इसी से आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड तो इसी से आपको लोन मिल जाएगा। अब आप पूछोगे कौन सा एप्लीकेशन का नाम बताओ, तो फिलहाल मैंने इसका नाम हाइड कर दिया। मैं अभी आपको इसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं वीडियो को पूरा देखते नहीं है, सबसे पहले जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और खुद ही लोन अप्लाई करने लग जाते हैं। बाद में उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, फिर बोलते हैं आप फेक वीडियो वगैरह बनाते हो, ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसका नाम नहीं दिखाऊंगा, मैं इसका नाम आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको 5 मिनट का टाइम निकालकर लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस सही तरीका है वो तरीका आपको सीख लेना है। उसके बाद ही आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद ही आपको लोन अप्लाई करना है। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो लोन रिजेक्ट हो जाएगा। बस 5 मिनट टाइम निकालकर वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ओपन का ऑप्शन आया इस तरीके से, तो सिंपली आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब देखो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हो चुका है। लेकिन अगर आपने इस एप्लीकेशन पहली बार अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया है तो सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आया, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर OTP आया, तो आपको OTP डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का होम पेज सेम टू सेम ओपन हो जाएगा। अब जैसे आप ये होम पेज आए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैश लोन। इसमें आपको कैश लोन देखने को मिलता है, कैश लोन में आपको फास्ट अप्रूवल कैश मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कैश लोन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें कि दिखाया गया है। देखो मिनिमम आप 5,000 रुपये का लोन ले सकते हो, 5,000 का आपको लोन मिल जाता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,00,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। 5,000 से लेकर आप 1,00,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। अब आपको कितना मिलेगा ये आपके एलिजिबिलिटी पर, सिविल स्कोर पर मैटर करता है, पर आपको यहाँ से लोन जरूर मिल जाएगा। अब अगर आप EMI की बात करें तो आप साफ साफ मेंशन किया आप 3 महीने से लेकर 12 EMI तक बना सकते हो, 12 महीने की EMI बना सकते हो। अब आपको लोन अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना। सिंपली मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब वीडियो को ध्यान से देखना, सही तरीके से आपको लोन अप्लाई करना है, तभी आपको लोन अप्रूवल होगा। अब आपके सामने आएगा ये वाला पेज, यहाँ पर दिखाया गया हाउ मच डू यू नीड, अभी पूछ रहा है आप कितने अमाउंट का लोन अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि देखो मिनिमम आप 5,000 का अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,00,000 तक का अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आप एक टिप आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको शुरू में स्टार्टिंग में कम से कम लोन अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लोन अप्लाई करने आते हैं और 50,000 का लोन अप्लाई कर देते हैं, तो उनका लोन यहाँ पर तुरंत के तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। आपको क्या करना, कम से कम लोन अप्लाई करना है, तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल आपको कम लोन सेलेक्ट करना है, जितना आप कम ले सकते हो उतना आपको कम अप्लाई करना है। तो मैं लोन अमाउंट में कम कर देता हूँ। इस वीडियो में यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको भी कम से कम लोन अप्लाई करना है, ज़्यादा अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट हो जाए। कम लोन यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लेना, मैं 10,000 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके सामने आप EMI कितने महीने की बनाना चाहते हो, सेलेक्ट द रिटर्न, आप EMI कितनी बनाना चाहते हो। जैसे कि देखो आप कम से कम 3 EMI बना सकते हो, 6 EMI बना सकते हो और 12 EMI बना सकते हो, तो आपको अपने हिसाब से EMI सेलेक्ट करनी है। तो मैं 10,000 रुपये का लोन लेना चाहता हूँ, इसकी मैं 6 EMI बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 6 को सेलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको EMI को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको साफ साफ दिखा देगा मेरी मंथली EMI बनने वाली है 1,945 रुपये की, सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर कर देगा। और अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.4% लगने वाला है। 10,000 का लोन लेते हो अगर आप 6 महीने के, तो भी आपकी पर मंथ की EMI बनेगी 1,945 रुपये की, इंटरेस्ट रेट 2.4% रहने वाला, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको लोन लेना है, उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया।
अब आपके सामने आएगा ये वाला पेज, व्हाट्स द लोन पर्पज। अभी पूछ रहा है आप लोन किस लिए ले रहे हो, आपको कैसी इमरजेंसी, यहाँ पर आपको एक पर्पज बताना है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर बिजनेस के लिए ले रहे हो, घर के लिए, एजुकेशन के लिए, आप जिस लिए ले रहे हो यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया मेडिकल इमरजेंसी। उसके बाद आपके सामने आया व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है तो सिंगल को सेलेक्ट करेंगे, शादी हो गई तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं सिंगल हूँ तो मैंने सिंगल को सेलेक्ट कर दिया। हर एक जानकारी को ध्यान से यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपके सामने आया व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, अभी पूछा आपकी शिक्षा कितनी, आपकी एजुकेशन कितनी है, टेंथ में पढ़ती हो, अभी टेंथ पास कर ली, ट्वेल्थ पढ़ ली हो, या वर्चुअल मास्टर, आपकी जो भी डिग्री है आपको अपनी एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने एजुकेशन को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने आया व्हाट इज योर हाउसिंग टाइप, जैसे देखो आप अभी के टाइम पर जिस घर में रहती हो वो घर अगर आपने खुद अपना पैसा कमा के अपने पैसों से घर बनवाया है तो सेल्फ ओपनेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, फर्स्ट वाला। अगर आप किसी के किराए के घर में रहती हो तो आप रेंटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ पेरेंट्स के घर में रहती हो तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, पेरेंटल वाला। और अगर आप रिश्तेदार के घर में रहते हो तो आप रिलेटिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपको सही जानकारी को फिलअप करना है। मैं रहता हूँ पेरेंट्स के साथ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने डू यू हैव ए जॉब, अभी पूछ रहा है अभी के टाइम पर कि आपके पास कोई जॉब है, जैसे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, जो भी हो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। आप अगर हाउस वाइफ है फिर भी लोन मिल जाए, कोई टेंशन नहीं है, सही जानकारी फिलअप करना है। फिलहाल मैं हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने आया व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, अभी पूछा मैंने सेलेक्ट किया मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो पूछा आप एम्प्लॉयमेंट टाइप यानी आप कैसे प्रकार का आपका रोजगार है, रेगुलर एम्प्लॉय या फिर ये वाला कंस्ट्रक्शन या फिर फ्रीलांसर। मैं हूँ रेगुलर तो मैंने रेगुलर को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने ये वाला हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, मैंने सेलेक्ट किया मैं खुद का काम करता हूँ, अभी पूछा आप जो काम करते हो एक साल से कर रहे हो, दो साल से, तीन साल से, आप कितने साल से वर्क कर रहे हो, ये आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन व्हाट द नेम ऑफ कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का यहाँ पर आपको नेम डाल देना है, या फिर अगर आपके पास कोई दुकान है आप दुकान पर काम करते हो या फिर आपकी कोई खुद की दुकान है तो उसका नेम डाल देना है। तो आप नाम यहाँ पर डाल सकते हो आसानी से, लेकिन अब एक कंडीशन है आप किसी कंपनी में काम नहीं करते या फिर आप किसी दुकान पर भी काम नहीं करते, आप अपनी खेती बाड़ी वगैरह करते हो, घर का काम करते हो, उस कंडीशन में यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम हो आपको अपना नाम डाल देना है। मैं किसी कंपनी में काम नहीं करता, मैं अपना घर का ही काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर अपना नाम डाल दिया, इस तरीके से आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री, अभी पूछ रहे आप किस क्षेत्र में काम करते हो, आप जो काम करते हो आप किस इंडस्ट्री में करते हो, आपको सेलेक्ट करना। बहुत सारी यहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है, कोई भी आप इंडस्ट्री को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज योर जॉब, मैंने सेलेक्ट किया मैं किसी क्षेत्र में काम करता हूँ, तो मैं पूछ रहा आप कौन है, बॉस है, सेल्समैन है, वर्कर है, यहाँ पर प्रोफेशनल है, मैनेजर है, जो कोई भी है, आपकी जो भी पोस्ट है वो पोस्ट आपको सेलेक्ट कर देनी है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने ये वाला मंथली एवरेज मंथली इनकम, पर मंथ आप कितना पैसा कमाते हो, आपकी जो एवरेज इनकम है वो यहाँ पर आपको पर मंथ की एवरेज इनकम यहाँ पर डाल देनी है। देखो यहाँ पर आपको मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर सैलरी डालोगे आप 10,000 कमाते हो, 12,000 कमाते हो, 15,000 कमाते हो, तो आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आपको लोन कंपनी मुश्किल ही देगी। आपको क्या करना है, मंथली इनकम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालनी है, उससे क्या हो कंपनी को ये लगे कि अगर आप ज़्यादा पैसा कमाते हो तो आप ईएमआई आसानी से पे कर सकते हो। यहाँ पर आपको सैलरी मिनिमम कम से कम 20,000 रुपये तो डालनी ही डालनी है। फिलहाल मैं 20,000 डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 को मंथली सैलरी डाल दिया, इस तरीके से आपको अपनी मंथली सैलरी ज़्यादा डाल देनी है। उसके नीचे बॉक्स आ रहा है इसको टिक कर देंगे, मैं टिक कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अभी पूछ रहा है आपकी सैलरी आपको कब रिसीव होती है, किस डेट की आपको सैलरी मिलती है, किस डेट को आपकी सैलरी आती है, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, पूरे महीने की जो भी डेट है सारी डेट आ रही है, जिस डेट को आपको सैलरी मिलती है वो डेट को सेलेक्ट कर देना है, मैंने डेट को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछेगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपकी सैलरी आपको कैसे रिसीव होती है, बैंक अकाउंट में सैलरी आती है या फिर चेक मिलता है या फिर कैश मिलता है, सैलरी आपको जैसे भी मिलती है आपको सेलेक्ट कर देना, मेरा तो सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में आती है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछेगा आपके लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा परफेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, बहुत सारी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप अच्छी है सेलेक्ट करना चाहते हो उसको कर लोगे, मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछा कि आपको पहले भी कभी लोन मिल चुका है, आपने पहले भी लोन लिया है तो आप ऐसा रखोगे, मैंने अभी तक किसी एप्लीकेशन लोन नहीं लिया है, तो आपको नो को सेलेक्ट कर देना है, मैंने नो को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आएगा वेरीफाई योर जीमेल, यहाँ पर आपको जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर देना है, मैंने जीमेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी इस तरीके से। अब मेरी बात को ध्यान समझना है, जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स को फिल किया आपका सारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट फॉर्म बन चुका है, आपको लोन अप्लाई करना है तो नीचे ऑप्शन आ रही वाला एलिवेट माई लोन, सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका लोन अप्लाई हो जाएगा, आपके सारी डिटेल्स अंडर रिव्यू में चली जाएंगी। उसके बाद आपको 2 मिनट का वेट करना है, आपके सारी डिटेल्स को चेक किया जाएगा, आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाएगा, उसके आधार पर आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे अमाउंट आपको यहाँ पर शो करके दिखा देगा, जितने लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे उतना लोन यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पूरी हेल्प करूंगा आपको लोन दिलाने में। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को एक
लाइक करना और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो आसानी से।